कछु मन चाहो भगत ये मन ठहराव बलि उच राग अंधियार में सब कले उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। वाहिगुरु जी राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं उदद जल केवल जल माही। जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं उदद जल केवल जल माही। माधवी क्या कहिए परमे ऐसा जैसा मनिया होए ना तैसा रहा नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पया बिखारे अच्युत राज विचरत दुख पाया सोगत पै हमारे राज भयंकर संग जैसे है अब कछु मर्म जनाया अनक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन नाए आया सर्वे कौन कहे स्वामी सब कट उगवाए सोए कह रविदास हाथ पहने रह सजे हुए सोए सर्वे अनेक स्वामी सब कट उगवाए सोए कह रविदास हाथ पहने रह सहजे हुए सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी।
दंडौत बंदन अनकुबार सर्व कला समरथ दोलन ते राखू प्रभु दोलन ते राखू प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान त्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जुग जुग अटल दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत गुरगद्दी ते बिराजमान हाजरा हजूर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे इलाही परम प्यारे चरणा विच जुड़ बैठ के गुरु पातशाह महाराज जी की निघी गोद का आत्मक आनंद प्राप्त कर रहे गुरमुख जनों धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी सच्चे पातशाह जी दे पावन इतिहासक अस्थान गुरद्वारा बंगला साहिब विखे साहिबां दे पाक दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरमुखो मीडिया दे माध्यम राही देशां विदेशां दे विच जुड़ बैठ के गुरबाणी दा आनंद माण रहे गुरमुख प्यारियो आओ प्यार सत्कार नाल सब तों पहलां आगे आवत सिंह जो भावै वाहिगुरु जी की फतेह बुलावै दे मां वाक अनुसार गुरफतेह नाल सांझ पाईए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी दे पासों आप जी ने अज दे पावन लड़ीवार शब्द का पाठ सरवण किया है। अज का जो प्यारा बचन है भगत रविदास जी की रसना तो उचारण किया होया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 657 अंग ते सुभायमान है। बाबा जी ने इस पावन बचन दे विच भरम दे विषय उत्ते संसार दे जीवां नूं चानना पाया है। भरम एक प्रकार का नहीं हुंदा है, भरम कई प्रकार का हुंदा है। जिवें अपने आप नूं परमात्मा तो जुदा मनना जां अपने आप नूं रब ही समझ बैठना, ये समझना भी जो कुछ मैं कमा रहा हाँ ये एक ना एक दिन सारा कुछ नाल लैके मैं चला जाना है, ये सब कुछ मेरा है, ये भरम अपने मन दे विच बिठा बहना कि ये शरीर सदीव काल इत्थे रहेगा, इस वास्ते बंदा चोरियां करदा है, ठगियां मारदा है, डाके मारदा है, बुरे तो बुरा कोई भी काम होवे वो बंदा करदा है। एक वो भरम है जिहड़ा धार्मिक दुनिया दे विच सदियां तो चले आ रहा है, जिहड़ा सब तो वध खतरनाक है।
भरम पा के एक पर्दा पा के दुनिया नू लुटना संसार नू लुटना। क्योंकि धर्म की है, धर्म है ही एक पर्दा है। इस धर्म का पर्दा हेठां नू तान के इस धर्म के पर्दे दे बैक सैड बैठा होया बंदा कोई भी काम करे कुछ भी करी जावे लोग उस बंदे नू नहीं वेखणगे, केवल धर्म के पर्दे नू वेखणगे भी ये धर्मी बंदा है। धर्म का पर्दा जू ला लिया सज्जन है तो ठग है, तुलंबे विच ठगियां मारदा है, पर क्योंकि उहदी पहचान इस करके नहीं हो पाई कि उहने एक जिहड़ा पर्दा लाया ने अगले पासे धर्म का, वह धर्म का पर्दा उस नू बचाई जा रहा है। धर्म का पर्दा ला लिया मलक भागो, जो भी काम करता है माड़े तो माड़ा काम करता है, वह जदों साल बाद ब्रह्म भोज करता है अपने पिता की श्राद्ध मनाउंदा है, ब्रह्म भोज करता है आसे पासे दे सारे साधुओं नू इकट्ठे कर लैंदा है, वह सारे इकट्ठे हो के जदों उहदा कीता होया ब्रह्म भोज खांदे ने ते जदों जांदे ने ते झोली दे विच चार चांदी दीआं छिलड़ां पवा लैंदे ने ते हथ खड़ा करके कहिंदे मलक भागो तेरे तो वड्डा इस दुनिया विच दानी कोई नहीं, तेरे तो वड्डी पुन आत्मा कोई नहीं, तू बड़ा सर्वश्रेष्ठ बंदा है। क्यों? क्योंकि धर्म का पर्दा जू पाया होया है। धर्म इंसान नू जीवन जांच सिखाउंदा है चंगा जीवन बंदे ने किस तरह जीना है और इस दुनिया विच्चों सुरखुरू हो के किवें निरंकार की पावन दरगाह दे विच रब दे पावन चरणा दे विच बंदे ने परवान चढ़ना है। आओ प्यारा बचन बाबा रविदास साहब जी का उहदी रहाओ की पंक्ति लैके इस शब्द की विचार अगां चलाइए। माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा। माधवे माया दे पति, हे माधव, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्यारे मित्र परमात्मा, क्या कहिए ब्रह्म ऐसा। असी जीवा ने जेड़ा भरम अपने अंदर पैदा कर लिया है, जिहड़ा भरम अपने अंदर पाल लिया है, उस भरम नूं बयान नहीं किया जा सकता। भरम किहड़ा पाल लिया कि हे निरंकार, हे परमात्मा, तू एक वख हस्ती है ते तेरी पैदा कीती हुई ये दुनिया एक वख हस्ती है, तेरे नाल इस दुनिया नूं मैच नहीं किया, तेनू अलग कर लिया ते इस बनाए हुए तेरे संसार नूं अलग कर लिया। हे वाहिगुरु, ये जो भरम असी जीवा ने अपने अंदर पैदा कर लिया इस भरम नूं बयान नहीं किया जा सकता है। जैसा मानिए होए ना तैसा, असी जीवा ने जैसा ये मनिया होया कि तू अलग हस्ती है ते संसार एक अलग हस्ती है, पर सही सच्चे पातशाह ये मेरे वाहिगुरु निरंकार करतार, पर असलीयत ये है कि जिहो जिहा असी जीव मनी बैठे हाँ असल दे विच ऐसा है नहीं, क्योंकि करता इस तरीके नाल संसार नाल अपना संबंध जोड़ी बैठा है जिवें एक नचार दा संबंध नाच दे नाल हुंदा है। जदों तक नचार रहेगा उदों तक नाच है। हुण नचार नूं असी नाच तों वख तां नहीं कर सकते ना, आखी ये नचार आके भी ठीक है मैं अपने घर दे विच रहिंदा, नचार आके भी नाच नूं कोई गवांढी लै जावे ते वापस शाम नूं कर दे, जां आखे जी कोई नहीं नाच तू इत्थे टेबल ते बैठ मैं शाम नूं आवांगा सैर करन तों बाद, ऐसा ते नहीं ना हुंदा। नचार जिथे जांदा है नचण वाला नाच उहदा नाल नाल जांदा है, नचार सौवेगा नाच भी नाल होवेगा, नचार उठेगा नाच भी नाल होवेगा, नचार खावेगा पीवेगा जिथे भी जाएगा नाच उहदा नाल रहिंदा है। बस संसार का संबंध निरंकार दे नाल इस तरह का है। करता पुरख मेरे मालक जी ने दुनिया बनाई ते दुनिया बना के वह करता आप इस दुनिया विच वस गया, पर क्योंकि संसार नूं इस करके निरंकार तो अलग आखिया गया ते दुनिया नूं दुखां दा घर आख दिता गया। मैं दो गल्लां इत्थे जरूर कहांगा, क्योंकि ये जो शब्द बाबा जी ने वरते है जो भरम दा विशा लिया है, कोई ना कोई तां कारण है जिस कारण नूं स्पष्ट करन वास्ते बाबा जी ने यह पावन बचन उचारण किया। संसार नूं दुखां दा घर मनण वाले जिहड़े लोग सन उन्होंने दुनिया नूं छड्डिया ते जंगलां बीआं बाणां दे विच चले गए जी, पत्नी माड़ी है, बच्चे माड़े ने, परिवार माड़ा है, इत्थों तक के बुद्ध धर्म के बानी महात्मा बुद्ध भी अपना घर बार छड्ड के चले गए सन।
संसार नूं छड दिता। जे साडे भिक्षु ने ते ओह वी संसार दा त्याग करदे ने। इत्थों तक वी एक वारी कह दिता सी किसे चेले ने पुछिया कि महात्मा बुद्ध जी जिहड़ा तुहाडा भिक्षु है उहदे औरत दे प्रति की विचार होने चाहीदे ने। ते महात्मा बुद्ध जी ने एक वार कह दिता सी कि मेरा भिक्षु इत्थों तक अपने विचार कट्टर रखे कि उहदी निगाह दे सामने कोई औरत नदी दे विच डुब रही होवे, भावें उह औरत उहदी मां होवे, भैण होवे, चाहे उहदी अपनी पत्नी होवे। मेरे भिक्षु नूं इह आदेश है कि उह भुल के भी कदे उस औरत नूं बचाउण दा हिया तक ना करे, हिया तक ना करे। जे जदों मेरा भिक्षु चले ते अपनी निगाह नूं हेठां करके चले, उहदी निगाह उतां नहीं उठनी चाहीदी। हो सकदा है किसी औरत उत्ते पै जावे। ग्रिस्त तों दूर भजा दिता, ग्रिस्त तों दूर रखिया। ते बाबा नानक सच्चे पातशाह ने कह दिता, आपदा का मारिया ग्रह ते नसता। जदों भाई मनसुख जी मालिक धन गुरु नानक देव साहब जी दे कोल सुल्तानपुर लोधी आए, गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरणा दे भौरे बन गए। ते उन्होंने जिन्नी उन्हां दी रास पूंजी दौलत सी साहिब जी दे पावन चरणा दे विच रख दित्ती। ते कहन लगे, सच्चे पातशाह अज तों बाद सब कुछ छड्या, मैं काम कार नहीं करांगा, मैं गृहस्थी धर्म छड दिता, तलांजली दे दित्ती, मैं तां तेरे चरणा दा भौरा बन गया, मैं बैरागी हो गया। बाबा नानक हस पए अगों, कहिंदे मनसुख घर बार तां तूं त्याग तां छड जे मैं छड्या, पत्नी तां छड जे मैं छड़ी है, बच्चियां नूं तां छड जे मैं छड्या, जंगलां च तां जा जे मैं जा रहा है। जे मैं खुद गृहस्थी हाँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे ने, जे मैं खुद गृहस्थी हाँ, तो वह भलिया पुरशा तूं किदां ये गल सोच ली कि गृहस्थ मार्ग नूं छड के रब मिल जांदा। मैं तां सिख्या दिंदा ही नहीं। भावें कि बाबा श्री चंद ने विरोध किया शुरुआत में गुरु नानक साहब महाराज का, बाबे नानक ने गृहस्थ धर्म नूं प्रधान आख्या सी, ते बाबा श्री चंद ने आख दिता सी गृहस्थ धर्म नूं मैं मनदा ही नहीं। अलग हो गए सी, अपना सिस्टम ही उन्होंने अलग तैयार कर लिया सी। लेकिन संसार नूं दुखां दा घर मनण वाले जिहड़े लोग सन, मेरे धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज ने उन्हां नूं झूणिया है, हलूणिया है, समझाया है कि नहीं, संसार दुखां दा घर नहीं है भोलियो। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। दुनिया की है, सच्चे निरंकार की बनाई हुई एक सोहनी जी कोठड़ी है, सोहना जिहा घर है। तो सच्चा इस कादर, जिस कादर ने दुनिया बनाई है, वह कादर, वह सच्चा परमात्मा अपनी बनाई हुई इस दुनिया विच वसदा है। मैं बेनती करा, पहला तो लोग घर बार छड़ के जंगलों विच जांदे सन कि जंगलों च जाके तप करो, जंगलों च जाके जप करो, जंगलों में जाके पुठे लटको, घर बार का त्याग कर दो, वाहिगुरु की प्राप्ति हो जाती है, रब मिल पैंदा है, निरंकार मिल जाता है। भाई वीर सिंह जी ने बड़ा सोहना इत्थे एक गल लिखी, वह कहिंदे ने, मैं पुछिया मुला पांदे नू, सन्यासी देश फरांदे नू, शहो केतबिद ढूंढ लियाई दा, सब कहिंदे जंगल जाईदा। कहिंदे जे रब नू मिलना है वीर सिंघा, जंगल विच चला जा। भाई वीर सिंह कहिंदे, मैं जा जंगल डेरा लाया सी, बह नदियां जोग लंघाया सी, नहीं आदम जात तकाया सी, हो व्याकुल जाईदा, समझी फिर आई के वीर सिंघा नहीं इस बिद प्यारा पाईदा। ओ भोलिया, करता कतेदा मिलदा, रब कतेदा मिलदा, फिर की होया? कहिंदे मैं घर आ गया, एक सुपना मिलिया अचानक दा, दुख मिटिया राह भयानक दा, फिर हुक्म होया गुरु नानक दा, धन गुरु ग्रंथ साहिब दा। एक सुपना मिलिया अचानक दा, दुख मिटिया राह भयानक दा, फिर हुक्म होया गुरु नानक दा, घर जंगल आप बनाईंदा, फिर इस बिद प्यारा पाई दा। भोलिया, रब नू जे पाउणा है ते घर नू ही जंगल वर्गा समझ लै, घर छड्डन दी कोई जरूरत नहीं। पहला तो लोग जंगलों च जाते सन, हुण जिहड़े घर तो भज्जे हुए वेलड़ लोग ने, जिहड़े परिवार नू पाल नहीं सकते ने, वो डेरिया विच जांदे ने, उन्हां नाल अलग अपना सिस्टम बना लिया। संसार तो आराम हो गए, कोई फिक्र नहीं अपने धियां पुत्तां दा, अपने परिवार दा, अलग हो गए। तो कहिंदे ने जी, गृहस्थ बड़ा माड़ा हुंदा है, गृहस्थ धर्म दे विच रब नहीं मिलता है, विचार भरम दी चल रही है। असलीयत तो उल्ट समझ लैण दा नाम भरम है।
ये चेते रखियो भरम दे विच उही बंदा फसदा है जिस बंदे नूं कुदरती मर्यादा दा ज्ञान ना होवे, जिस बंदे नूं पदार्थां दी असलीयत दा ज्ञान ना होवे। यह दो गल्लां चेते रखियो, असलीयत तों उल्ट जो समझदे आं असीं उह भरम है। असलीयत नूं नहीं समझिया, असलीयत नहीं जानी, होर होर जगह ते भटकदे रहे, यह भरम है। जिहड़ा कुदरती मर्यादा नूं नहीं जाणदा, पदार्थां दी मर्यादा, पदार्थां दा सुभाअ नहीं जाणदा, वह बंदा भरम दे विच पै जांदा है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज के प्रकाशमान होने संबंधी भाई साहब भाई गुरदास साहब का लिखिया होया ये पावन बचन, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन होवा, बड़ा काबले तारीफ शब्द है। सिख कौम दे विच बड़ा हरमन प्यारा हो निबड़िया, पर शायद असी कदे ये विचार नहीं की कि भाई साहब भाई गुरदास साहब ने हनेरे की जगह पर शब्द धुंद क्यों वरत्या है। हनेरा शब्द वरतना चाहिए सी, धुंद क्यों वरत्या? हनेरे दे विच ते धुंद दे विच कोई ना कोई अंतर है। बहुत ज़्यादा घर दे विच हनेरा होवे, लाइट चली जाए तो मिट्टी दे बने हुए छोटे छोटे दीवे जां मोमबत्ती जगा दिती जाए तो घर विच बनिया होया सारा जिहड़ा हनेरा हुंदा है उस समय ही मुक जाता है, खत्म हो जाता है, उड जाता है। उत्थे किन्ना भी हनेरा होवे, आवाजाई दे साधना दे सामने जिहड़ियां लाइटां तेज तरार लगियां हुंदियां ने, उन्हां लाइटां दी मदद दे नाल मन भौंदी तेज रफ्तार दे नाल उन्हां आवाजाई दे साधना नूं दौड़ाया जा सकता है। अपनी मन भौंदी जो भी सोच होवे उहदे मुताबक उन्हां नूं चलाया जा सकता है। पर जेकर धुंद बनी होवे बहुत संघनी, सिर दे उत्ते सूरज चढ़िया होवे ते तां वी उह सूरज नूं वेख्या नहीं जा सकता, क्योंकि धुंद हंकारी हुंदी है, उह सूरज नूं सामने आउण ही नहीं दिंदी है। धुंद पै गई, रेल गड्डियां भी थम गई, हवाई जहाज भी रुक गए, बसां दीआं लाइटां भी कुछ नहीं कर पाईआं, वड्डियां वड्डियां तेज तरार जबरदस्त लाइटां वालियां गड्डियां भी हाथ जोड़ के खड़ गईआं, कहण लगियां जदों तक धुंद नहीं हटदी उदों तक असीं गां कदम नहीं पुट सकदियां। टैक्सला वर्गे महाविद्यालय इस हिंदुस्तान विच मौजूद सन, महापंडित वड्डे वड्डे मौजूद सन, वेदा का ज्ञान सी, शास्त्रां का ज्ञान सी, सिमरतियां का ज्ञान सी, बड़ा कुछ सी हिंदुस्तान दे विच, देशां विदेशां दीआं तमाम सरकारां इस हिंदुस्तान जां होर जगह ते बने हुए अज्ञानता दे हनेरे नूं खत्म कर सकदियां सन, पर वो कैसी धुंद सी जिहड़ी धुंद नूं केवल मेरा बाबा नानक खत्म कर सकदा सी, और धन गुरु नानक देव महाराज धुंद नूं खत्म करन वास्ते आए। हुण हथ जोड़ो भाई गुरदास साहिब नूं, पुछो भाई साहब आप जी दया करके दसो कि वह धुंद सी जिहड़ी धुंद नूं गुरु नानक देव महाराज खत्म करन वास्ते आए। तो भाई साहब भाई गुरदास साहब ने बचन किया, कह लगे बाबा आया तीर्थ है, तीर्थ पुरब सबै फिर देखै। गुरु नानक महाराज तीर्थां उत्ते गए, तीर्थां ते जा जा के वेख्या, उन्हां दे वड्डे वड्डे जिहड़े पुरब मनाउंदे सन उन्हां ते जा जा के वेख्या। पूरब धर्म बहु करम कर, भाओ भगत बिन किते ना लिखै, भाओ ना ब्रह्मै लिखिया, चार वेद सिमरत पढ़ पेखै। गुरु नानक देव महाराज ने ब्रह्मा दे रिखे हुए चारां वेदां नूं, सिमरतियां शास्त्रां नूं विचारिया, पर उन्हां विच रब दी गल ही किते नज़र नहीं आई, प्रेम दी गल ही किते नज़र नहीं आई। कर्मकांड दसे ने, जे फलाना काम करना है फलाना जग करो, फलाना काम करना है फलाना काम करो। अज भी तुसीं वेखो ना मीडिया दे माध्यम राहीं, ठीक है जिथे गुरमत दा प्रचार हो रहा है ठीक है, उत्थे नाल दी नाल ज्योतिषियां दीआं दुकानां भी बड़ियां गर्म ने, बहुत ज़्यादा। जे शनि देवते दी करोपी तों बचना चाहुंदे हो, एक हाथ दे विच ब्रैसलेट पा लो, एक गले दे विच लौटक लटका लो, तुसीं इहदे तों बच सकदे हो। और मैं बड़ा हैरान हाँ कि कोई भी मशहूरी होवे ऐड देनी होवे उन्होंने सरदार जरूर लैणा हुंदा है, सरदार। वैसे एक तो पक्का ही उन्होंने मिथिया होया है, वो जे संधि सुधा की ऐड है तो भी उत्थे लिया जाता है, जे शनि की ऐड है तो भी उत्थे लिया जाता है, जे महालक्ष्मी जंत्र की ऐड है तो भी उत्थे लिया जाता है। वो बेचारा दो चार टके लैके जिदा वह बुलाते हैं उदा बोलता है, उदा ही बोली जाता है। फिर कई बार तो कह दिता जाता जी साढ़े पहला 25 ट्रक सन, अचानक उन्होंने 5 ट्रकों का एक्सीडेंट हो गया, फिर 10 का हो गया, हौली हौली खत्म होने शुरू हुए। मैं एक दिन किसी पंडित नूं पुछिया, पंडित जी कहन लगे जी जेकर
तुसी बचना चाहते हो तो एक उपाय है वह किहड़ा तुहाडे उत्ते शनि की बड़ी प्रकोपी। मैं बड़ा हैरान हाँ, एक पासे विचारे शनि नूं भगवान मनदे हो, दूजे पासे उसे ही शनि की जिहड़ी दृष्टि है उहनूं बड़ी भैड़ी दस्या जांदा है, माड़ी दस्या जांदा है। कदे भगवान की दृष्टि भी माड़ी हुंदी है? एक पासे तां रब कह रहे हो, दूजे पासे कह रहे हो जी उहदी जे प्रकोपी हो जावे उह तैश नैश कर दिंदा है, उह बर्बाद कर दिंदा है। चेता आ गया, गुगे नूं भी लोग रब मनदे ने, भरम है ना विचार ही, क्योंकि भरम की चली है गल भरम ते करांगे। गुग्गा की है? गुग्गा भगवान है, रब है, सप की पूजा करते हैं लोग। रब समझ के सप्पा की करें पूजा, कच्ची लस्सी जा गुग्गे नूं पावदाए, वीरवार नूं कपड़े रख गंदे मंगलवार नूं सिर ना नावदाए। वीरवार नूं कपड़े नहीं धोने जी, मंगलवार नूं सिर नहीं नहाना असी, गुग्गे नूं पानी जाके पाउणा, कच्ची लस्सी करके पाउणी। क्यों? गुग्गा रब है जी, गुग्गा भगवान है। तो जिस दिन विचारा गुग्गा साड़ी अलमारी के पिछों जां साड़ी पेटी के पिछों अपनी माड़ी जी आ दिखा दिंदा ना, सुंड दिखा दिंदा, मूँह दिखा दिंदा, सारा टब्बर अगे अगे हुंदा ते गुग्गा पिछे पिछे हुंदा, ते कहिंदे ने कोई इहनूं मारो, कोई साडे घर चों भजाओ, वो भाई तुहाडा भगवान आया, उहनूं जी आया आखो, मोस्ट वैलकम आखो, उहनूं आखो भगवान जी घर ही तुहाडा, इत्थे बैठो ते चार पंज अपने बच्चियां नूं वी नाल लै आओ। पर नहीं, फिर डांगा सोटे चुकदे आ, पर योगी नूं बुलाउने आ, कहिंदे आ जी इह हुण कृपा करके घर चों निकल जावे। जिहनूं रब समझ के उहदी आराधना कर रहे हो, जे तुहानूं अज उहने दर्शन दे दित्ते ने ते उस विचारे नूं माड़ा क्यों कह रहे हो? उहनूं तां अपने गल नाल ला के रखना चाहीदा है। सदके जाइए धन गुरु नानक देव महाराज दे, सानूं गुग्गियां दी पूजा नाल नहीं जोड़िया, वहमां भरमां दे नाल नहीं जोड़िया, पखंडां दे नाल नहीं जोड़िया, जंत्रां मंत्रां तंत्रां दे नाल नहीं जोड़िया। सानूं नहीं आख्या सूरज की आराधना करो, सानू नहीं आख्या चंद्रमा की आराधना करो, सानू नहीं आख्या धरती नूं मां समझ के उहदी आराधना करो, सानू तां आख्या तुहाडी मां भी अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा, तुहाडा पिता भी वाहिगुरु, तुहाडा भरा भी वाहिगुरु, सब कुछ वाहिगुरु। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। उत्थे तां किसे भी गल की कोई थोड़ ही नहीं है। माँ का प्यार भी वाहिगुरु दिंदा है, पिता का प्यार भी वाहिगुरु दिंदा है। भाई गुरदास साहब जी कहिंदे ने, भाओ ना ब्रह्मै लिखिया चार बेद सिमरत पढ़ पेखै, ढूंढी सगली पृथ्वी सतयुग आदि दुआपर त्रितै। सारी धरती का महाराज ने भरम किया ते विचार पढ़े सतयुग के दुआपर के त्रेते दे। फिर महाराज ने जो वाचिया, कलयुग धुंदू कार है, भरम भुलाई बहुविध भेख है। इस कलयुग के समय में माड़ा आख आख के कह कह के धुंदू कार बना दिता, लोगों भरमां दे विच वहमां दे विच पा दिता। जिथे जाओ समा बड़ा माड़ा है जी, समा बड़ा माड़ा है। समय में माड़ा कौन करता है? जे असी किसी इंसान की, किसी इंसान के मोढ़े उत्ते बंदूक रख के चलाउण दी ना कोशिश करिए, असी खुद अपना जीवन सुधारीए। असी कहने जी पिंड माड़ा है, शहर माड़ा है, दिल्ली माड़ी है, पंजाब माड़ा है, कलकत्ता माड़ा है, बंबई माड़ी है, चंगी जगह केड़ी है? तुहाडा घर वो भी तो माड़ा ही है, चंगी जगह केड़ी? किसी बंदे नूं समझाउण दी बजाए मैं बेनती करांगा, पहला खुद सवरो, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। जे खुद पहला अपना आप सवार लोगे, वाहिगुरु की प्राप्ति होवेगी, सुख मिलेगा। मेरे मालक सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज ने जगह जगह पर जाके देखिया, भरमी भरमने, भरमी भरमने। हरिद्वार गए, लोग पानी सुट रहे ने, वह चढ़ते नूं सूरज नूं पानी दे रहे ने, गुरु नानक देव महाराज इधर लेंदे नूं पानी देन लग पए। वह कहिंदे ने तुसीं लेंदे नूं पानी क्यों दे रहे हो? महाराज कहिंदे मेरी राय भोए की तलवंडी विच जमीन सुकरी, मैं उत्थे पानी दे रहा। हस पे उच्ची उच्ची, कहिंदे भोलिया तेरा पानी कदे उत्थे पहुँच सकदा है? महाराज कहिंदे भोलियो, जे मेरा नहीं पहुँच सकता तो की तुहाडा पहुँच सकता है? मूँह च उंगलां आ गईयां कि गल तो बंदा सही करदा, कि पानी तो साडा भी नहीं उत्थे पहुँचदा। जे मेरा इस धरती ते सुटिया पानी इस धरती ते नहीं पहुँच सकता, ओए भोलियो तुहाडा इस धरती तो सुटिया पानी सूरज तो अगे किदां चले जाएगा? गुरु नानक देव महाराज ने श्राद्धा तो मना किया। इत्थे कई बार लोग आके पुछ लेंदे ने जी, बाबे नानक दा श्राद्ध किदन है, गुरु अमरदास महाराज दा श्राद्ध किदन है? और बदकिस्मती है, मनाए भी जाते हैं गुरद्वारियां दे विच, मनाए भी जाते हैं। पर फर्क की रह गया? उत्थे
बाबे नानक ने समझाया, असी उन्हूं तलांजली दे दिती। जगन्नाथपुरी गुरु नानक महाराज गए भरम का गढ़, हिंदुस्तान की सब तो वड्डी आरती उत्थे कीती जांदी सी। मेरे मालक जी उत्थे पहुंचे, कहन लगे तुहाडी आरती तो वाहिगुरु खुश नहीं होवेगा, क्योंकि तुहाडी आरती बहुत छोटी है, तो निक्की जी आरती तां करो जे तुहाडा रब निक्का जिहा। गुरु नानक देव महाराज ने गगन मैथौल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती कह के इस आरती का खंडन किया, जेड़ी दीवे बाल के थाली दे विच दीवे रख के ते आरती उतारी जाती। मैं हैरान हो गया, एक दिन संध्या का टाइम सी, मैनू चेता नहीं वो टीवी केड़ा सी, लाइव टैलीकास्ट आ रहा सी, ते ग्रंथी सिंह ने गल च सरोपा पाया, हाथ दे विच थाली वड्डी फड़ी ते नाले शब्द गाई जान, गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, ते नाले थाली कमाई जान। फर्क की रह गया? उत्थे गुरु नानक देव महाराज कह रहे ने ये आरती थाली विच दीवे पा के नहीं करनी, ते सिख कह रहे बाबा नानक नाराज ना होवीं, नाल नाल तेरा शब्द पढ़ांगे, नाल नाल दीवे भी घुमावांगे। नाराज नहीं होना है, बाबे नानक नूं भी नाराज नहीं करना कि बाबा नानक भी नाराज ना हो। ठीक है, बाणी तेरी पढ़ांगे, काम असीं अपने करने ने, काम असीं अपने करने। जीवन केवल बाहरी तौर ते नहीं होना चाहिए, धर्म धर्मी तौर पर जे धर्म का बाणा असीं पा लिया है पर अकल धर्म वाली नहीं अपनाई, वह बंदा धर्मी नहीं हो सकता है, वह बंदा भरमी है। गुरु नानक देव महाराज ने मना किया, असी उही काम करने शुरू कर दिते। गुरु नानक देव महाराज ने रोकिया, असी उही काम करने शुरू कर दिते। भाई साहब भाई गुरदास साहब कहिंदे हाल तो हो गई कि चारे पासे धर्म ही धर्म, तो माफ करना भरमी भरम का पसारा, तो इस भरम के वहमां दे विच इन्हां कर्म कांडां दे विच मेरे बाबे नानक ने वेख्या, सारा संसार सड़ रहा सी। बाबा देख्या ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिसियाई, बाजो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई, बाबे भेख बनाया उदासी दी रीत चलाई, चढ़िया सोदन धरत लुकाई। गुरु नानक साहब चले पए, तो जिहड़ा भरम इंसान के अंदर बनिया, ये भरम जदों इंसान का मन अपना लैंदा, तो बाबा कबीर साहब जी कहिंदे ने एक भरम बंदे दे अंदर पैदा हो जाए, भरम मोह भी नाल लैके आउंदा, दुरमत भी नाल लैके आउंदा, तृष्णा भी नाल लैके आउंदा, होर भी पता नहीं किन्ने विकार इंसान दे नाल लैके आ जाता है। इस प्रथाए बाबा जी का प्यारा बचन, देखो भाई ज्ञान की आई आंदी, वेखो भाई ज्ञान दी हुण हनेरी आ गई, सबै उडीनी भरम की टाटी रह ना माया बांधी। ये ज्ञान दी जदों हनेरी आई ते भरम दा जिहड़ा बनिया होया ये छप्पर सी ना, जिहदे थले असीं पल रहे सां, भरम दा बनिया होया छप्पर ज्ञान दी हनेरी ने वगा के परां मारिया, परां सुट दिता। बने होए वहम भरम जात पात दे आधार ते, गोतां दे आधार ते, ऊंच नीच दे आधार ते, गुरु नानक देव महाराज दी ज्ञान दी आंदी ऐसी आई भवां भवां के परां मारे। पहला स्टैप उठाया, जनेऊ बाबे नानक नूं पौण लगे, महाराज कहिंदे हरदयाल ये की है? कहिंदा जी जनेऊ आ तुहानूं सुच्चा करन वास्ते पा रहे। गुरु नानक देव महाराज कहिंदे मैं नहीं पावांगा, मैं इत्थे आम करके बेनती करिया करदा, गुरु नानक देव महाराज ने जनेऊ क्यों नहीं पाया? क्योंकि बाबा नानक सब कुछ प्रवान कर सकते ने। ये चेते रखियो, गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह समाज दीआं वंडियां कदे प्रवान नहीं कर सकते। समाज विच वंडियां पा दिओ, ये गुरु नानक नूं प्रवान नहीं। एक नूं शूद्र आख दिओ, वैश आख दिओ, खत्री आख दिओ, ब्राह्मण आख दिओ, ये गुरु नानक देव महाराज नूं प्रवान नहीं। तो बाबा कबीर साहब नूं भी प्रवान नहीं सन, उन्होंने कह दिता सी जाओ तू ब्राह्मण, ब्राह्मणी जाया तो आण बाट काए नहीं आया। ठीक है भाई, जे तू कहिंदा मैं ब्राह्मण हाँ, ब्रह्मा दे मुख तो पैदा होया, तो कहिंदे मैनू ये दस तू मैनू जुलाहा कहिंदा ना, जुलाहा कहिंदा माड़ा आख दे मैनू। तो बाबा जी कहिंदे मैं जिस मर्यादा नाल, क्योंकि रब ने एक ही मर्यादा जन जीवन की बनाई, जिस मर्यादा सदका मैं माता की कुख तो जन्म लिया, ब्राह्मण जी पंडित जी उस मर्यादा दे विच तुसी भी आए हो, जां ते तुसी किसी कोई होर ढंग तरीका अपनाया तो दस दो, उही साडा ढंग है, उही तुहाडा ढंग है, लहू तुहाडे विच भी लाल साडे विच भी लाल, अक्खां तुहाडियां भी दो साडियां भी दो, नासका तुहाडी भी एक साडी भी एक, हथ तुहाडे भी दो
मेरी भी दो, पैर तुहाडे भी दो मेरे भी दो, दिमाग मेरा भी एक तुहाडा भी एक, सब कुछ जदों एक जैसा है फिर मैं जुलाहा किदा हो गया ते तू ब्राह्मण किदा हो गया। बद किस्मती है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सारी पावन बाणी जात पात का विरोध करती है। जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते चले बहुत बेकारा। पंजाब की धरती ते तुहानू बहुत गुरद्वारे ऐसे मिल पैणगे जिन्हां गुरद्वारियां दे विच वितकरा कीता जांदा है, बहुत वितकरा, मजहबी सिंघां दे नाल खास तौर ते। वह आ नहीं सकते जी गुरद्वारे, जे आ सकते ने उन्हां दी पंगत अलग बना दिओ, उन्हां लंगर अलग छकाओ, एक जगह ते उत्थे नहीं बह सकते ने। फिर कई जगह ते उन्हां नू अखंड पाठ साहब दीआं ड्यूटियां नहीं लाईआं ला दित्तियां जांदियां जी, वह पाठ भी नहीं कर सकते ने। आ गए ना विपर भाऊ अपने आप ही अंदर, वह लंगर भी नहीं वरता सकते, लंगर बना भी नहीं सकते ने। क्यों? कि जी ये नीवी जात है। सरदार गुरबख्श सिंह काला फगाना इस सदी का सब तो धड़लेदार लेखक, विपरन की रीत तो सच का मार्ग लिखण वाला बंदा। ठीक है, उस बंद ने सच का मार्ग दिखाया, कुछ कु लोगों नू औखा होया, उन्होंने भुआ के पुरा मारे सैड ते हो तेरे वर्गे सौ फिरदे देखे ने, पर नहीं वह कौम का हीरा। उस बंदे ने एक बड़ी प्यारी गल की, असी तो कई बार अपनियां खामियां जड़ियां लुका के रखते हैं ना। सरदार गुरबख्श सिंह काला फगाना जी कहिंदे ने, मैं छोटा जिहा सी जदों अपनी मदर दे नाल माता जी दे नाल अमृत छकन वास्ते कहिंदे मैं गया, कहिंदे मेरी माता ऊच नीच वहम परम बड़े मन दी सी, खास करके वह नफरत मजहबी सिंघां तो बड़ी करती सी। इहो ही सिंघ ने जिन्हां चों भाई साहब भाई जीवन सिंह होए ने भोलियो, जिन्हां नूं रंग रेटा गुरु का बेटा कहा सी। असी नफरत क्यों करिए? ये जिहड़ी खोपड़ी है इतों मनू नूं हटा दिओ, मनू नूं चुक के थले मारो, इत्थे गुरु नानक दे महाराज नूं बिठाओ, बाबे नानक नूं जगह दो, हाथ जोड़ के आखो बाबा तेरी जगह इत्थे है, साड़ी सोच विच बह, साड़े दिमाग विच बह, साड़े विचारां विच बह, असीं बाबे नानक नूं गुरद्वारे रखिया है। बाबा नानक ठीक है आवांगे गोलक च पैसे पावांगे, सवेरे आवांगे प्रसाद खा के घर जावांगे, सारा दिन बेईमानी करांगे, चोरियां ठगियां अटारियां जो होणगियां करांगे, बाबा शाम नूं तेरे कोल आके मिलांगे, सानू सताउणा नहीं, तेरी गल नहीं असी मननी, बस जो कहेंगा दवांगे। क्योंकि सोच च बाबा नानक नहीं ना बिठाया, तो जे सोच च बाबा नानक बह गया पाप नहीं करांगे, असी झूठ नहीं बोलांगे, किसी की धी भैन वाल कैड़ी निगाह दे नाल नहीं वेखांगे, किसी नूं अपने तो नीवां नहीं जाणांगे, रिश्वतखोरी नहीं करांगे, 50 रुपये की चीज़ 500 विच नहीं वेचांगे, नकली चीज़ नूं असली दे भाव दे विच नहीं वेचांगे। बाबे नानक ने यह नहीं करन देना है सानू। बाबा नानक तां सच्चाई का मुजस्मा है, यह नहीं करन देणगे सानू। गुरबख्श सिंह काला फगाना जी कहिंदे ने कि मेरी माता वहमां भरमां की बहुत वड्डी मुदई सी, अमृत छकन वास्ते गया, उन्होंने इस पुस्तक के विपरन की रीतों सच का मार्ग के चौथे भाग के गल लिखी है। भरम का ही टॉपिक है उन्होंने सारा, कहते जिस समय अमृत छकाया गया पंजां प्यारियां दे कोलों, फिर अखीर विच लाइन विच सानू सारयां नू खड़े कीता ते एको बाटे दे नाल सारयां नू मूंह लवा के उन्होंने अमृत छका के ते भरमगढ़ तोड़ना सी। सदके जाइए गुरु कलगी धर महाराज तो इन्ना सोहना तरीका बना के भरमगढ़ तोड़ दिता कि सारे नू एक जगह पर बिठा दिता। बाबा रविदास साहब जी ने बड़ी प्यारी गल कही, कहिंदे जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जदों साडे विच होमे हुंदी है हंकार हुंदा है ना, असी बड़ी उच्च जाति दे मालक हाँ, बड़े अमीर हाँ, असी फलाने हाँ ढींगड़े हाँ, उदों ये वाहिगुरु सच्चे पातशाह तू नहीं विच हुंदा साडे। पर जिस दिन तू आ जाना उस दिन मैं मेरी सब खत्म हो जाती है, मेरा मेरा सब खत्म हो जाता है। उस दिन तो मैं जिथे भी वेखदा अपने वर्गे ही सारिया नू वेखदा हाँ, अपने वर्गे। भाई नंद लाल सिंह जी तौसीफो सन्ना विच एक गल लिखते हैं, वह कहते ने जिहड़ा सिख वहमां भरमां दा मुदई है गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सख्त खिलाफ ने, जिहड़ा बंदा वहमां भरमां दा त्याग कर चुका है, बाबा नानक रूप गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस बंदे नूं सीने दे नाल लाउण नूं तैयार रहिंदे ने। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर मय उदत जल केवल जल माई। जदों ये मैं मेरी दूर हो जाती है तो यह भरम भी अंदरों निकल जाता है, कि वाहेगुरु तू अलग है ते तेरी दुनिया बनाई हुई अलग है। कहिंदे नहीं,
हुण तां मैनूं इदां महसूस हुंदा है कि जिवें बड़ा तूफान आवे, समुंदर विच बड़ियां लहरां उठदियां ने, पर उह लहरां समुंदर तों थोड़ियां जिहियां अलग जरूर जापदियां ने, पर हुंदियां समुंदर दा रूप ने, फिर समुंदर विच समा जांदियां ने। ए मालक मेरे कलगियां वालिया, जदों तेरी सिक्ख्या उत्ते चले उदों थोड़ा जिहा तां पहलां इह जरूर लगा सी कि लहरां अलग ने, पर हुण पता लगा नहीं, लहरां भी समुंदर दा ही रूप ने, लहरां विच भी समुंदर दा ही कणकणा वसदा, लहरां भी समुंदर ही ने, लहरां ते समुंदर अलग नहीं। हुण तां मैं वेखदा ब्राह्मण खत्री वैश शूदर मजहबी सिंह जुलाए सिंह रविदासी कोई भी हो गए, ऐ मेरे बाबा नानक तेरी ऐसी दया, मैनू तेरे अमर दा घुट जदों अंदर गया, मैं जदों बाटे नूं मूंह लाया मैनू सारे अपने नजर आउण लग पए, ये लहरां नजर आउण लग पईआं, पर लहरां दे विच मैं समुंदर वेखदा। मैं मुसलमान दे विच वी भाई घणईए दे वांगू गुरु गोबिंद सिंह वेखदा, मजहबी सिंह विच्चों वेखदा, रविदासियां दे विच्चों वेखदा। मैं किसे नूं छटियाउंदा नहीं है, किसे नूं मंदड़ा नहीं आखदा। कहिंदे जदों लैण विच लाया गया तो मेरी माता फस्ट जगह पर खड़ी सी, उहदे तों सैकंड जगह पर मैं खड़ा सी, तो मेरी माता ने सब तो पहला बाटे ने मूँह लाया, फिर मैं लाया, फिर सारे नूं वरताउणा शुरू कर दिता। कला फगाना जी कहिंदे ने मैं सुनिया मेरी माँ ने अरदास की, उत्थे अरदास की कीती, ए कलगियां वालिया तू बिरद बाणे की लाज रखदा, कृपा करी हुण जिहड़ा सुचा अमृत छका दिता ई, हुण रहमत करी, हुण दया करी, कृपा करी, ये जिहड़ा झूठा अमृत है ना ये वापस मैनू ना छकना पै जावे, ये मैं ना छका। अमृत भी कदे झूठा हुंदा है, पर वहम पैदा हो गया ना। पर कहिंदे मेरा बाजां वाला मेरे कलगियां वाले सच्चे पातशाह महाराज किस तरह उस दी गल नूं कबूल कर दे, वापस बाटा घुम घुमा के मेरी माता जी दे कोल आ गया ते मूँह नूं ला के पीना ही पिया। वेखो किड्डा वड्डा भरमगर तोड़िया है बाजां वाले ने, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने, लेकिन असीं दुबारा फिर उहदे विच पए हुए हां। साड़ी हालत की हो गई, नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी। जिवें एक राजा अपने आसन दे उत्ते पिया पिया ही सौ जावे, सुते हुए नूं सुपना आ जावे, सुपने दे विच उह भिखारी बन जावे। नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी, अशत राज बिशरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज भाग हुंदियां सुंदियां वो सुपने विच जाके भिखारी बन के इस गल करके रोंदा जी मेरा कख नहीं रहा, राज भाग खुस गया। लेकिन ये चेते रखो बैठा वो तख्त उत्ते है, बैठा तख्त उत्ते। कते इस तरह नहीं इंसान की हालत हो गई भी बंदे दे अंदर रब तां वसदा, निरंकार तां वसदा, पर बंदा रो रहा है, कुरला रहा है, परमात्मा नूं नहीं समझ रहा। कते ये तां नहीं हालत हो गई गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दा गूढ़ ज्ञान साडे कोल है ते असीं फिर भी देहधारियां दे कोल हथ अड्डन नूं मजबूर हो गए, बाबियां दे चरणां विच जाके हथ अड्डन नूं मजबूर हो गए। कते साडी हालत भी तां ओह नहीं ना हो गई कि असीं तख्त उत्ते तां बैठे हाँ पर असीं फिर भी कंगाल दे कंगाल बणे हाँ। सतगुरु पातशाह महाराज दे इस गूढ़ ज्ञान नूं समझ के जदों असीं अपने जीवन नूं बनावांगे सोहणा, सानूं पता लगेगा साडा बाबा नानक बादशाह, असीं वी बाबे नानक दे बनाए होए सिख बादशाह। ना साडे बाबे नानक ने किसे सामने हथ अड्डिया, ना असीं भिखारी बन के किसे दे सामने हथ अड्डांगे। सो इह भरम नूं दूर करन दा सुनेहा गुरबाणी ने दिता। महाराज कहिंदे ने भब्बा भरम मिटावो अपना, इह संसार सगल है सुपना। ओ भाई ये जिन्ना बनिया होया भरम है, इस भरम नूं अपने मन दे विचों खत्म कर ते ये विचार नूं मत अपने अंदर लिया कि तू सदीव काल इत्थे बैठा रहेगा। नहीं, भब्बा भरम मिटावो अपना, ये संसार सगल है सुपना, भरमे सुर नर देवी देवा, भरमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा। इस माया रूप भटकना दे विच देवी देवते भी भटक गए, पुगे हुए सिद्ध योगी साधना करन वाले सारे भटक गए। भटक भटक मानुख डहकाए, भरम भरम मानुख डहकाए। ते जिहड़े मनुख सन इंसानी जीवन जीवन वाले लोग इस भटकना दे डूंघे सागर विच डिग पए,
हुण सवाल करिए मेरे बाबे नानक नूं, साहिब जी आप दया करो, इस भरम दे विच्चों असीं निकल किस तरह सकदे हां, किस तरह साडा इहदों तों छुटकारा हो सकदा है। ते धन गुरु नानक देव महाराज बाबा नामदेव साहब दे राहीं प्यारा बचन करदे ने, क्योंकि उहदे वास्ते एक तरीका है कि तू गुरु की शरण में चला जा, वाहिगुरु की शरण में चला जा। पिंदी उब कले संसारा प्रम प्रम आए तुम चे द्वारा, ते अरदास कर वाहिगुरु सच्चे पातशाह इस सारे संसार दे जीव संसार रूप समुंदर दे विच खूह दियां टिंडां दे वांगू डुबकियां लै रहे ने, डुबकियां लै रहे ने, भटक रहे ने। पिंदी उब कले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा, ते तू वाहिगुरु दे चरणा विच जा, ते उहदे चरणा च जाके नमस्कार कर, ते जदों जावेगा ना ते जे तेरा करता पुरख तेनू पुछ लवेगा तू कौन रे, तू कौन है भाई, ते अगों अरदास करी मैं जी नामा की लैण वास्ते आया, हो जी आला ते निवारना जम कारना, ऐ मेरे दयाल कृपाल दयालू मालक दया कर इन्हां जंजालां तों मैनू बचा, भरमां तों बचा, मेरे अंदर अपनी जोत जगा के रख, कते मैं भटकना जावां, कते मैं तैथों दूर ना हो जावां। ये भी चेते रखो साहब दा एक बड़ा प्यारा बचन है, महाराज जी दा प्यारा बचन। साहब कहिंदे ने सो सुखिया जिस भरम गया, सुखी ओही बंदा है जिस बंदे दा भरम दूर हो गया। जिहड़ा बंदा भरमां च पिया है बंदा कदे सुखी नहीं होवेगा। आ पिछे जे एक खबर आई, कहिंदे कोई बड़ा वड्डा तनाड़ व्यक्ति अपने बिजनेस दे वजों किसी ज्योतिषी दे कोल गया, उन्हें कहा जी बिजनेस दे विच बड़ा घाटा पै रहा की करिए। ज्योतिषी ने अगों आख्या जी आ नारियल लै जा, रस्ते दे विच कोई दरिया आवे नदी आवे ते उहदे विच सुट दवी, तेरा पार उतारा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वह तनाड़ सी, उन्हें सोचिया भी चलो मैं उधर नूं जाना है, रस्ते विच बैंक पैंदा है, बैंक च मैं नाल पैसे भी जमा करा लवांगा। उन्हें दो लिफाफे एक कलर दे लए, एक च नारियल बन लिया, ये खबर आई सी, एक च नारियल बन लिया, दूजे ते 3 लाख रुपया बन लिया। थोड़े दिनों की गल है, एक च नारियल दूजे च 3 लाख रुपया। तो अचानक जदों वो कार विच जा रहा सी, रस्ते दे विच कोई नहर छोटी जी आई, उन्हें कार खलालण की बजाए इदा ही बैक साइड तो लिफाफा चुकिया ते पवा के उस नहर विच सुट दिता। जदों पता लग्या भी नारियल की जगह पर तो मैं 3 लाख रुपया सुट दिता है, पसीनों पसीनी हो गया, दिल के दौरे पैन लग पे, हाए लुट गया, हाए बर्बाद हो गया। उस नहर विच जिहड़े बच्चे नहा रहे सन, उन्हां बच्चियां नूं उन्हें हाल पा रहा मचाई, उन्हां बच्चियां ने 2 लाख रुपया वो तां कढ के तां दिता, लेकिन 1 लाख रुपया कितें रुड़ गया पता ही ना लगा। वेखो भरमां दे विच पई हुई दुनिया, सो सुखिया जिस भरम गया। धनवाद करो सारे हाथ जोड़ के गुरु नानक देव सच्चे पातशाह, बाबा तेरा कोटान कोट धनवाद, तू सानू इन्हां चक्करां विच नहीं पाया, नारियल की बजाए 3 लाख रुपया पवा के विच मार दिता। तो इन्हां वहमां भरमां ने संसार नूं ठगिया है, दुनिया नूं भरमां दे विच पाया है, संसार की तबाही का कारण बने ने। इन्हां भरमां ने संसार का भलिओ सवारिया कदे कुछ नहीं है। सूतक पातक का भरम, जात पात का भरम, ऊच नीच का भरम, वहमां भरमां आदिक होर भी कई गल्लां ने, पर इत्थों तक छोटे छोटे भरम साडे पिंडां विच बने हुए ने। कितें असीं काम नूं जाणा होवे ते कोई बच्चा पिछों आवाज़ दे दवे ना, कोई बंदा अचानक आवाज़ दे दवे, काम जांदे नूं पिछों जे आवाज़ पै जे, अखां लाल करदा जोड़ा झाड़दा ऐ, ओए गुरु ग्रंथ ते तेरा विश्वास है नहीं, वेखा वेखी एवें सिर मारदा ऐ, आवाज़ पै गई, बच्चे ने कहा पापा कित्थे जा रहे हो, उन्हें पछां मुड़ के देखिया नाले 4 गालां कढ़ियां, नाले जुत्ती ला के झाड़ी, ते नाले घरवाली नूं कहिंदा भागां वाली हुण गिलास पानी दा दे फिर पी के जावांगा, अपशगन हो गया, आवाज़ पै गई ते अपशगन हो गया। रस्ते विच तुरे तुरे जांदे दे सामने किते खोता हींग पवे तां वी अपशगन, बिल्ली लंघ जावे तां वी अपशगन। ते सिंघां जोधियां ने की कमाल कीती, सिंघां ने इत्थों तक रौ रीत चला ली सी
कि जदों वह तुरे जाते सन तो जिन्हों ब्राह्मण जी कहते नीवी जात वाला बंदा मिल जाए तो सारे काम जड़े ने बर्बाद हो जाते हैं। सौरदा कोई नहीं, सिंघा के बोलबाले बन चुके सन कि रस्ते से जाद्या कोई नीवी जात वाला मिल जाए ना तो अरदास करो आखो वाहगुरु तेरा कोटान कोट शुकर हूँ काम रास हो जाएगा। देखो भरमगढ़ में तोड़न का तरीका यह भी बड़ा वधिया सी, जे रस्ते जे ब्राह्मण जी मिल जाते उच्च जाति है जेडे कहते बाकी सारे नीवे मैं सवणा का सरदार ते सिंह सूरमे कहते हुण काम का बेड़ा गर्क हो जाएगा हुण सौरना ही नहीं। एक तरीका उन्होंने अपना बना लिया ताकि किसी ना किसी ढंग तरीके नाल वहम परम दूर हो जाए। चंगी माड़ी जगह का परम यह भी बड़ा साडे मन दे विच है और सूतक पातक का तो अज तक परम है साडे पिंडां शहरां दे विच। वेखो जिहड़ी औरत ने बच्चा जन के साड़ी झोली च पाया जिस दे कारण सारे घर च खुशियां खुशियां ने उस औरत नूं एक सैड ते ला दिता जांदा जी ये पिटी गई है सूतक वापर गया ये पिटी गई झूठी हो गई। पर कुछ खास समा खास दिन मिथे जांदे ने जी इन्ने दिन लंघणगे असी अमृत तैयार करावांगे भाई साहब कल्ले आउणगे कृपान फेरनगे पतासियां दे घोलणगे ते ओ छकेगी बीबी ते फिर सुची हो जाएगी फिर चुल्हा चौंका नूं दे दिता जाएगा। की ये भरम नहीं है क्योंकि रहत मर्यादा विच तां ऐसा कोई जिक्र नहीं। देखो किड्डे किड्डे वारे वड्डे साडे परम है। निक्की जी एग्जाम्पल दे के समाप्ति वल वधांगा। असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश घर विच करना होवे अखंड पाठ साहब रखना होवे ना ते असी किन्ने भरम करदे आ नारियल लिया जोत जगा दीवे जगा धूफा ज तुखा फिर कुंभ रख इदा के पता नहीं किन्ने परम जबकि अकाल तख्त साहब की बनाई हुई रहत मर्यादा वजों उहदे विच किते नहीं लिखिया गया सगों मनाई की गई ये सब विप्रवाद है ये तुसी नहीं करना है। असी मुड़ के दोबारा फिर उहदे विच आ गए। इतों तक असी गुरु साहिबान भी नाल ही नाल अपने रख लिया सचियां झूठियां कहानियां नाल जोड़नियां। मैं बेनती करांगा कि गुरबाणी नूं अपनी सोच मुताबक मत पढ़ो गुरबाणी की सोच के मुताबक अपनी सोच नूं ढालो। बाबा जी अगां बख्शिश करदे ने राज पयंग प्रसंग जैसे हैं अब कश मरम जनाया। जिवें रात नूं रस्सी कई बार भुलेखा पा दिंदी है ना सप का रस्सी पई होवे सप का भुलेखा पा दिंदी है कहिंदे वाहिगुरु साडे मन विच भी ऐसा भुलेखा है। रात रस्सी पई सप का भुलेखा तो पा गई जदों दिन चढ़िया तो पता लग गया ये रस्सी सी ये सप नहीं सी। साडे मनां दे विच भी बड़े भुलेखे पए होए ने असी रस्सी नूं सप समझ के उहदे तों डरदे पए डरना नहीं। ये वाहिगुरु हुण तेरी ऐसी कृपा आई तू कुछ कुछ भेद मैनू समझा दिता रहमत कर दिती मैनू भरमां तों बचा लिया। अनेक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन ना आया। जिवें अनेक सोने के बने हुए गहनियां नूं वेख के ये भुलेखा ला लिया जाए भी सोना भी कई किस्म का हुंदा है अलग अलग रंगा रूपां का हुंदा है कहिंदे नहीं जदों वापस सोना सारे नूं ढाल लिया जांदा है तो सोना सोना ही बन जाता है एक रूप हो जाता है। बस वाहिगुरु तेरे रंग अनेक ने रूप अनेक ने भेद अनेक ने पर जोत केवल एक है तू सभना दे विच सांझा वसदा। सर्बे एक अनेक स्वामी सब कट भुग वै सोई। तू हरेक जगह ते अपने भगत प्यारे नू हरेक जगह ते वापरदा होया नजर आउंदा घट घट हिरदे दे विच हरेक जगह ते वसदा कोई मैनू माड़ा नज़र नहीं आता कोई चंगा नहीं सर तेरे रूप नज़र आते ने। अखीर च कहिंदे कहर अवदास हाथ पै नेरै सहजे होए सो होई। अरदास कीती है मालक सच्चे पातशाह तेरी बड़ी दया हुण तू मैनू दूर नज़र नहीं आता तू मैनू रविदास नूं तां अपने हाथ तो भी नेड़े नज़र आना। हरेक जगह ते वाहिगुरू नूं वेखो परमात्मा दे नाल अपनी सुरत अपनी सोच नूं जोड़ के रखो गुरबाणी के मुताबक अपना जीवन ढालो वहमां भरम कर्म कांडा का त्याग करो। अखीर दे विच एक कवि की छोटी जी कविता कह के समाप्ति करांगा। वह कहिंदे सिक्खी शान वक्री एदी आन वक्री हर कदमे गुरु नाल चल दीए सिर कट जावे टोटे हो जावे लखां दुखड़े गुरु लई चल दीए सीस दे पहला फिर लई सिक्खी उसे सिक्खी दा हो गया घाण वीरो वग भेडा दे रल गया शेर इत्थे कोई रही ना अड पहचान वीरो। पहला झुकदा सी सिर एक अगे अज लखां ही बने भगवान इत्थे जरदा लाउण ते बीड़ियां पीण वाले वह भी गुरु ने खाण जो पाण। इत्थे असी किहड़े वहमां च पए हां
केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो, गुरु ग्रंथ साहिब साहिब सच्चे पातशाह जी टेक रख के अपना सब कुछ स्वीकार करो। इतनियां बेनतियां स्वीकार करनियां। दो दिन गुरमत विचार जो दास ने सांझे कीते ने वो करदियां होईयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां चुकां दी खिमा। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटानकोट धनवाद, साध संगत का और दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धनवाद। सतगुरु ने दया की, फिर कितने आप जी दर्शन दारे करन दा मौका मिलिया, तुहाडे चरणां नूं परसांगे। इतनियां बेनतियां स्वीकार करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरि कृष्ण प्यारे, श्री हरि कृष्ण प्यारे, जिस दिते सब तू